और प्लांट को कहाँ पे रखना चाहिए, बोनसाई प्लांट को आपको धूप में रखना चाहिए, जब तेज हीट वाली गर्मी स्टार्ट होती है उस टाइम पे आप इसको जो है थोड़ा सा शेडी एरिया में या जो ग्रीन नेट है उसके नीचे रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको दोस्तों अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों पीछे जो ट्री है ये गुड़ैल का ट्री है जो हमने काफी टाइम पहले स्पोर्ट के अंदर लगाया था और आज इसकी देखिए ब्रांचेज जो है काफी ग्रो कर गई है। तो मैं इसको नीचे जमीन में मैंने रखा हुआ था और आज मैं इसको यहाँ से उठाकर जो अंदर जो बेंच हमने बना रखी है पॉट्स के लिए तो उसके अंदर हम इसको रखेंगे। तो चलिए इसको अभी हम थोड़ा सा इसकी जो छटाई है वो कर देते हैं ब्रांचों की, उसके बाद मैं इसको ऊपर लगा दूंगा बेंचों पे। तो अगर आप नए हैं तो मैं आपको इसको एक छोटा सा रिकैप दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने इस प्लांट को ऐसा बनाया है। तो चलिए आप जल्दी से एक रिकैप देख लीजिए, उसके बाद हम इसकी प्रूनिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए इसकी जो पोलिंग है वो स्टार्ट कर देते हैं। उसकी प्रूनिंग मैंने कर दी है, लेकिन एक चीज मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप बिगिनर है तो अगर आप बिगिनर है तो आप हिबिस्कस से स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि हिबिस्कस है क्या है बोनसाई के लिए ज्यादा अच्छा सुटेबल नहीं है। इसके अंदर एक तो इसकी जो ब्रांच है वो बहुत ही ऐसी, अगर आप उस पर वायरिंग करेंगे तो बहुत जल्दी टूट जाती है। दूसरा इसके अंदर एक इंसेक्ट होता है, कीड़ा होता है जो रूट बोरर स्टेम बोरर वो होता है, तो वो आ जाता है इसमें। अगर आप इसका अच्छे से केयर नहीं करेंगे टाइम पे तो इसमें वो आ जाता है, तो उससे भी इस प्लांट को प्रॉब्लम होती है और प्लांट आपका सूख सकता है। मेरे एक स्टार्टिंग का जो बोनसाई था वो ऐसे खराब हो गया था, क्योंकि मैं वो क्या अंदर ही अंदर प्लांट ही चला जाता है और उस प्लांट में क्या हुई, पहले एक उसकी ब्रांच सूखी फिर दूसरी ब्रांच सूखी, तो मैंने उस ब्रांच जब तोड़कर देखा तो उसके अंदर एक कीड़ा था। फिर मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, मैं उसका लिंक जो है वो दे दूंगा। आप हिबिस्कस से मत स्टार्ट कीजिएगा, अच्छा है आप फाइकस से शुरू कीजिए, फाइकस से आपको काफी जो प्रॉब्लम्स है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और वो प्लांट जो इजीली ग्रो करता है। और दोस्तों आज का वीडियो सिर्फ इतना ही था, इसको मुझे फोन करना था, मैं इसको फोन करके अंदर रख दूंगा। और दोस्तों कुछ क्वेरी जो आती है बोनसाई से रिलेटेड जो ज्यादा है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आती है वायरिंग का, हमें कब निकालनी चाहिए। देखिए वायरिंग आपको तभी निकालनी चाहिए जब आपको लगे कि वायर जो है ब्रांच के अंदर धंसने लगी है, तब आपको निकाल देनी चाहिए, अदरवाइज जो ब्रांच है वो खराब हो जाएगी।
दूसरा लोग कहते हैं छोटे पत्ते कैसे होंगे, देखिए छोटे पत्ते जैसे जैसे आप डिफोलिज करेंगे यानी इसकी पत्तियां जब जब प्रून करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो पत्ते आएगी उसका साइज कम होगा, तो हर बार हल्का हल्का साइज जो कम होता चला जाएगा तो ऑटोमेटिक इनका जो साइज वो कम हो जाएगा। बोनसाई के अंदर पानी कितना देना चाहिए, देखिए बोनसाई के अंदर अगर वेल ड्रेन सोइल आप यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर पानी आपको रेगुलर देना होगा। प्लांट को कहाँ पे रखना चाहिए, बोनसाई प्लांट को आपको धूप में रखना चाहिए, जब तेज हीट वाली गर्मी स्टार्ट होती है उस टाइम पे आप इसको जो है थोड़ा सा शेडी एरिया में या जो ग्रीन नेट है उसके नीचे रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको आप इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे फाइकस के कुछ प्लांट है जिनको आप इंडोर ग्रो कर सकते हैं, बाकी उनको इंडोर का मतलब ये नहीं कि आप उसको डार्क कमरे में बंद करके रखते हैं, उसको आप जैसे कोई खिड़की वगैरह है जहाँ पे धूप अच्छी आती हो वहां पे आप उसको रख सकते हैं, अगर ऐसी जगह नहीं है तो ब्राइट लाइट में रखें और उसको सप्ताह में दो बार जो है आप धूप में बाहर लेकर आएं। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।